जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है जनाब। तो आज हम रिव्यू वीडियो बना रहे हैं टाटा हैरियर पे और साथ साथ इसका टेस्ट ड्राइव भी करेंगे दोस्तों और दिखाएंगे ये गाड़ी चलाने में कैसी है। गाड़ी का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए आपको और कौन सा वेरिएंट नहीं लेना चाहिए। टाटा हैरियर काफ़ी शानदार गाड़ी है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टाटा हैरियर का XM वेरिएंट है जो कि 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ आता है जिसे टाटा कायरोटेक इंजन का नाम भी देती है। ये टर्बोचार्ज इंजन है दोस्तों और टर्बोचार्ज इंजन होने के कारण गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही टॉप क्लास का है दोस्तों। गाड़ी का साइड प्रोफाइल देख सकते हैं दोस्तों, कितना शानदार लग रहा है। तो दोस्तों ये है टाटा हैरियर का साइड प्रोफाइल, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल को काफ़ी सिंपल और प्लेन रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी का XM वेरिएंट है और इसमें मिलता है आपको ब्लैक कलर का ORBM विथ टर्न इंडिकेटर, बॉडी कलर्ड आपको डोर हैंडल मिलते हैं और इसके बाद सबसे ऊपर मिलता है आपको एक क्रोम पट्टी जो कि आगे तक कंटिन्यू होती है। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का कंप्लीट साइड प्रोफाइल जो काफ़ी सिंपल और गुड लुकिंग है। इसके बाद हम बात करेंगे गाड़ी के टायर प्रोफाइल की। तो इसमें मिलते हैं 16 इंच के टायर विथ स्टील रिम एंड व्हील कवर। गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हैं यहाँ से आप। तो दोस्तों गाड़ी का जो फ्रंट प्रोफाइल है वो काफ़ी बोल्ड डिज़ाइन के साथ आता है, सामने से ये बिल्कुल आपको टाटा सफारी ही लगती है देख के, जिसमें मिलता है आपको एक बड़ा सा फ्रंट ग्रिल और उसमें दिखता है टाटा का लोगो और सबसे नीचे मिलता है आपको गाड़ी का फ्रंट बम्पर। सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं आप दिया गया है LED DRL, एक बड़ा सा LED DRL जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों गाड़ी में। सबसे नीचे आपको उसके नीचे आपको दिया गया है एक हेडलैम्प यूनिट जिसमें हैलोजन के साथ एक प्रोजेक्टर लैम्प दिया गया है और सबसे नीचे मिलता है आपको फॉग लैम्प। काफ़ी सही है, हालांकि ये गाड़ी बहुत हद तक टाटा सफारी से मिलती जुलती है। आप कह सकते हैं कि टाटा सफारी इसका बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। ये बस जस्ट 5 सीटर है गाड़ी, टाटा सफारी 7 सीटर है, बस इतना ही अंतर है दोस्तों। बाकी गाड़ी लगभग सेम है, चाहे वो इंटीरियर की बात कर लें या एक्सटीरियर की बात कर लें, बाहर से आपको बिल्कुल ये टाटा सफारी जैसा ही लगता है। तो दोस्तों अब ले चलते हैं आपको गाड़ी के पीछे की ओर। तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा वोकल फॉर लोकल का एक स्टिकर। तो दोस्तों ऊपर में दिख जाएगा आपको स्टॉप लैंप, उसके नीचे मिल जाएगा आपको रियर वाइपर और दोस्तों ये है इसका बेहद स्टाइलिश LED टेल लैंप, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये जुड़ा हुआ है एक पियानो ब्लैक पट्टी के साथ जिसपे टाटा का लोगो लगा हुआ है। और सबसे आखिरी और नीचे में आपको देखने को मिलेगा हैरियर की वेजिंग। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे गाड़ी में दिए गए बूट स्पेस की। तो इसमें बहुत बड़ा सा बूट स्पेस दिया गया है, इसको देख के लगता है दोस्तों इसमें मैं आराम से सो सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें बूट स्पेस की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें 425 लीटर का एक बड़ा सा बूट स्पेस दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसमें साथ में आपको पार्शियल ट्रे भी देखने को मिलता है। और यहां से आप देख सकते हैं गाड़ी का फुल इंटीरियर कंप्लीट डैशबोर्ड के साथ। तो दोस्तों बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब जल्दी से ले चलते हैं आपको गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले एक बहुत ही मजबूत सा आपको डोर हैंडल देखने को मिलेगा और बिल्कुल बॉटम में कुछ स्टोरेज के साथ आपको पावर विंडो के सारे कंट्रोल देखने को मिलते हैं। जो इग्निशन पॉइंट है जहां हम की लगाते हैं वहां पे एक LED लगा रखी है ताकि आपको नाइट के टाइम में की इंसर्ट करने में आसानी रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी में दिए गए स्टीयरिंग की। तो आपको इसमें नॉर्मल स्टीयरिंग देखने को मिलता है, इसमें बॉटम कट या डी कट स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। और गुरु ये देखो टाटा हैरियर का हैंड ब्रेक, जैसे लग रहा कि जहाज़ रोकने के लिए दिया गया है। बाकी ये गाड़ी 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद मिलता है आपको AC का कंट्रोल और साथ में मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम के ढेर सारे कंट्रोल बटन। स्टीयरिंग पर आपको स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल बटन भी दिया गया है। तो दोस्तों अब ले चलते हैं आपको गाड़ी के सेकेंड रो सीट पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी में जो सीट कवर दिया गया है वो लेदर का नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े वाला दिया गया है दोस्तों। हालांकि इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, हम दिखाएंगे आपको। सेकेंड रो डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल के साथ वो मजबूत वाला एक डोर हैंडल मिल जाता है, सबसे नीचे कुछ स्पेस मिल जाता है और सबसे नीचे मिलता है आपको एक स्पीकर के साथ डोर ओपन अलर्ट लाइट। तो आइए दोस्तों अब गाड़ी में बैठ के एक बार गाड़ी का इंटरनल स्पेस चेक करते हैं कैसा दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा
लेग रूम मिलता है आपको, मतलब कुछ कहना ही नहीं है लेग रूम के बारे में, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। जैसा कि आपको पता ही है ये सफारी ही है, बस 5 सीटर वर्जन है इसका, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है और बूट स्पेस भी बहुत मिलता है। यहाँ से आप गाड़ी का कंप्लीट डैशबोर्ड देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और बाकी आप देखिए सीट की कुशनिंग काफ़ी शानदार दी गई है, बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन इसमें बस लेदर सीट कवर नहीं आता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत हो गई इधर उधर की बातें, चलिए अब जल्दी से गाड़ी को ड्राइव करते हैं और देते हैं आपको गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग अनुभव। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इसमें 4 सिलेंडर वाला कायरोटेक 2.0 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो मैक्सिमम 167 BHP की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो इसका इंजन बहुत ही दमदार इंजन है दोस्तों। दोस्तों टाटा हैरियर टाटा सफारी के बिल्कुल आइडेंटिकल है, चाहे वो गाड़ी के बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लें या इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लें दोस्तों, तो इसका जो ड्राइविंग अनुभव है वो बहुत हद तक बिल्कुल टाटा सफारी जैसा ही है। दोस्तों अभी हम चला रहे हैं टाटा हैरियर, टाटा हैरियर का XM वेरियंट है और ये है डीजल इंजन। कितना शानदार व्यू मिल रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। हालांकि ये सफारी से बिल्कुल सिमिलर है और सफारी से मिलता जुलता है गाड़ी का लुक भी और गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी। तो गाड़ी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है दोस्तों, चला के काफ़ी सही लग रहा है। मोड चेक करते हैं। तो दोस्तों मैं बातें कितना भी ज़्यादा कर लूँ, लेकिन टाटा हैरियर का असली मज़ा इसको चलाने पर ही आता है। क्या कमाल की चलती है, बिल्कुल मक्खन की तरह। हैरियर का डीजल इंजन काफ़ी पंची है और इसके साथ साथ ये काफ़ी टार्की भी है। डीजल इंजन होने के बावजूद भी आपको इसके केबिन में बिल्कुल भी नॉइस फील नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है बिल्कुल। तो दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के गियर बॉक्स की। तो गाड़ी का गियर बॉक्स का रिस्पांस काफ़ी बढ़िया है, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी ये काफ़ी स्मूथ है और इसका क्लच भी काफ़ी लाइट है, जो गियर बॉक्स ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग रिस्पांस के मामले में टाटा हैरियर को काफ़ी अच्छा पैकेज बनाता है। काफ़ी सही लग रहा है गाड़ी को चला के। और मैं गाड़ी को डाल रहा हूँ टॉप गियर भी। और दोस्तों ये देखिए गाड़ी को मैं टॉप गियर में ले लिया हूँ, आप सुन सकते हैं केबिन का नॉइज़ भी काफ़ी सही है, बहुत मिनिमम नॉइज़ आ रहा है। जैसा कहा जाता है कि टाटा गाड़ियों में केबिन नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आता है, मुझे तो नहीं लग रहा कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, काफ़ी सही है, आप भी सुन सकते हैं। एक फुल साइज़ SUV होने के बाद भी इसका स्टीयरिंग रिस्पांस काफ़ी बढ़िया है, जिसका क्रेडिट इसके स्मूथ और हैवी डीजल इंजन को जाता है। आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए गाड़ी में अलग अलग ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, जैसे कि इको, सिटी और स्पोर्ट मोड, जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरी टाटा सफारी और निक्सॉन वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं गाड़ी को सिटी मोड में चला रहा हूँ, गाड़ी में सिटी मोड एक्टिवेटेड है और फिर इसको मैं अलग अलग मोड में चेंज करता हूँ स्पोर्ट मोड में, देखता हूँ गाड़ी का रिस्पांस कैसा मिल रहा है, गाड़ी के स्टीयरिंग का रिस्पांस। वैसे गाड़ी चलाने में काफ़ी सही है, काफ़ी स्मूथ है दोस्तों। दोस्तों गाड़ी का AC जो है वो काफ़ी कमाल का है, बड़ा क्योंकि ठंडा कर रहा तुरंत तत्काल, तो देख सकते हैं। वैसे दोस्तों टाटा हैरियर कुल 5 वेरिएंट में आता है, जिसमें XE, XM, XT एंड XZ प्लस शामिल है। इसका एक्स शोरूम प्राइस 13.6 लाख से लेकर के 19.1 लाख तक जाता है। वैसे अगर आप एक फुल साइज SUV चाहते हैं और आपका बजट थोड़ा टाइट है, तो आप XM पर जा सकते हैं, जिसका मैंने अभी ड्राइविंग रिव्यू दिया है। और अगर आप अपने बजट को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मेरे ओपिनियन में आपको XT पर स्विच करना चाहिए। XT एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और दोस्तों अगर आपके पास बजट की कोई लिमिट नहीं है, तो फिर भैया आपका क्या कहना, आप चले जाओ आराम से XZ प्लस वेरियंट पर। दोस्तों टाटा हैरियर मल्टीपल कलर ऑप्शन में आता है, लेकिन भाई साहब जो इसका डार्क एडिशन है, ओ माय गॉड, रोड पर तो वो आग लगा देता है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, कितना प्यारा और भौगाली कलर है वो।
तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और देखते रहिए आर्या एडवेंचर।